हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉन्ग डिवीजन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे आपसे कहा है कि शो बाय एक्चुअल डिवीजन दैट 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2x प्लस 3 जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हमें प्रूव करना है कि वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। जब भी हमें प्रूव करना हो कि लीनियर पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा एक्चुअल डिवीजन। तो यहाँ पर आपसे खास तौर से कहा है कि आप डिवीजन करके दिखाइए कि ये इसका फैक्टर है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और साथ के साथ हम आपको बताएंगे कि डिवाइड करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है 4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस x-3, और इसको हमें डिवाइड करके दिखाना है 2x प्लस 3 से। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। वही है जैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, फर्क कितना है, यहाँ पर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई है, पॉलिनोमियल आ गए अपने पास, यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं जो कि एक्स है इसमें, ठीक है, वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि हम देखते हैं कि जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म का मतलब है सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, यानी पावर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर होना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन है, अगर टर्म्स आगे पीछे हैं तो आपको सबसे पहले पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिविडेंड में भी और डिविजर में भी, किसी में भी आगे पीछे करके दिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर है दोनों में। उसके बाद हमें जो फर्स्ट टर्म है उसको टारगेट करना है, यानी 4x पावर 4, इसकी जो फर्स्ट टर्म 2x है, इस 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 4x पावर 4 आ जाए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2x टू बी मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, दिस आंसर इज नीडेड हियर, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4x पावर 4 और नीचे आ जाएगा 2x। अब इसको काट देते हैं, 2 से 2 पे गया और एक पावर कट जाएगी x की, यानी कि 2x पावर 3 आ गया अपने पास। तो यहाँ पर 2x पावर 3 के ऊपर चला जाएगा ये 2x पावर 3, हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रेंज में है या नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2x पावर 3 पे गया, अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पूरे से। जैसे फर्स्ट का तो हमने मल्टीप्लाई करके लिया कि 4x पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस का 3 ये, 2x क्यूब ये, तो 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि इसको जैसे हम मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 5 आ जाए, 4 5 20 लिखते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक वैसे ही इसका और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, और ध्यान रखते हैं कि जो डिग्री है, जो पावर है, उसके नीचे उसी पावर की टर्म लिखते हैं। जैसे अगर ये स्क्वेयर आता तो इसके नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसमें से माइनस, माइनस प्लस वाले माइनस होते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, तो ये इससे कट गया, 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब, ये बच गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस x-3, रिमेनिंग टर्म सारी नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट है ये टर्म, यानी 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बन जाए, तो सिंपल सी बात है, x स्क्वेयर से करेंगे। तो जब 2x का x स्क्वेयर से 2x क्यूब और x स्क्वेयर का 3 से प्लस 3x स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ओके। अगले स्टेप में ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, इसमें से ये गया 0, 5x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर गए, तो 2x स्क्वेयर, रिमेनिंग टर्म प्लस x-3, ओके। अब 2x स्क्वेयर आना चाहिए, यहाँ पर 2x है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वेयर आए, x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्लस में x। और अगर आपको पता ना चले तो ये मेथड है, जैसे हम यहाँ पर 2x मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू रिक्वायर्ड टर्म 2x स्क्वेयर पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा कि किस पे ये जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर x पे चला गया, तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वेयर, अब x का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3x, अब ये साइन चेंज होंगे नेगेटिव, ये अब यहाँ पर माइनस 3x प्लस x क्या बचेगा, माइनस 2x-3, ओके।
अब यहाँ हमें माइनस टू एक्स चाहिए, यह 2x है तो इसको हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस वन का 3 से माइनस 3। ओके, अब साइन चेंज होगी, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स ये भी कट गया, 3 माइनस 3 ये भी 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आ गया। जब भी हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आता है तो वो जो डिविज़र है, डिवाइड करने वाली जो पॉलिनोमियल है, वो उस डिविडेंड का जो डिवाइड हो रही पॉलिनोमियल उसका एक फैक्टर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर, 2x प्लस 3 जो है वो इसका एक फैक्टर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।